ये सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आज सुबह पीस कमेटी मीटिंग भी बुलाई गई थी और काफी उसमें पॉजिटिव चर्चा सभी के साथ में हो गई। उसी के क्रम में आज शाम को एक पैदल गश्त डीएम साहब ने और हमने किया है। पूरा जो मार्केट है और जितना भी एरिया है सबको हम लोगों ने देखा है, लोगों से वार्ता भी की है और ओवरऑल माहौल ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ में और डीएम साहब भी यहाँ मौजूद है, उनके साथ में ये भ्रमण किया गया है और सेक्टर स्कीम भी इसमें लागू है, 144 धारा भी लगी हुई है, सबको जानकारी। उसी क्रम में ये किया गया है, एक तरीके से जनता को जो सुरक्षा का भाव देने के लिए, उनको सुरक्षा का जो प्रॉमिस है वो देने के लिए आज ये इसमें देखिए सब लोगों को पता है, पहले भी बार बार ये अपील सबसे कराई गई है और कहा जा रहा है कि कोई भी पोस्ट हो, कोई भी सोशल मीडिया पर जो चीज़ हो वो बिना देखे बिना जाने समझे उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। कुल कुछ लोगों के खिलाफ में कल ये बातें सामने आई थी कि उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बिना किसी जानकारी के बिना जाने समझे उसको आगे फॉरवर्ड किया है और उस बात का हमने तत्काल संज्ञान लिया है। हमारे द्वारा सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा रही है। और हम आपके माध्यम से भी सभी लोगों से ये आह्वान भी करेंगे कि सोशल मीडिया पर भी कोई चीज़ उनके पास में आती है उसको बिना वेरीफाई किए किसी के आगे ना बढ़ाए और उसको आप अच्छे से देख ले, उसकी बातों को समझ ले, उसके परिणामों को समझ ले, तभी उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि यहाँ आप रहते हैं तो यहाँ की शांति व्यवस्था के लिए जितना प्रशासन पुलिस जिम्मेदार है उतना ही पब्लिक भी जिम्मेदार है, उनको भी इसमें सहयोग है। सर ड्रोन कैमरे की तैयारी है? बिल्कुल, हम लोग जब भी फ्लैग मार्च करते हैं या रूट मार्च करते हैं आपने देखा होगा ड्रोन कैमरा हमारे पास है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, त्योहारों पर भी हम करते आए हैं, आज भी हमने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया है और उसका हमेशा पॉजिटिव असर रहता है, लोगों के मन में सुरक्षा की भावना और दृढ़ हो जाती है। तो सर क्या दुकानें बंद रहेंगी? ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये बहुत क्लियर है, कोई ऐसा अफवाह पर विश्वास ना करे और कोई अगर अफवाह फैला भी रहा है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आप लोगों ने जो बात कही, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उन लोगों को इसीलिए ऐसा हिरासत में लिया गया था कि उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही थी। तो हमारा आपके माध्यम से लोगों से आह्वान भी है कि ऐसी कोई अफवाह कोई ना फैलाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई अफवाह कोई फैलाएगा तो कानून अपना काम करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। खबरें पसंद आई हूं तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।